हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम ए कंसल्टिंग फिजिशियन एंड आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक एंड द लाइफ स्टाइलिस आई एम कैरिंग द फिफ्टीन ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन आज हम बात करेंगे कि यदि लगातार आपको पेट में दर्द होता है और दर्द की डिग्री बहुत ज़्यादा है यानी एक्यूट पेन होता है आपको क्रैम्प्स आते हैं पेट में ऐठन होती है दर्द के कारण आपको बहुत बेचैनी होती है परेशानी होती है स्वेटिंग होती है और लगातार आपका दर्द बना रहता है और खाना खाने के बाद यदि आपको इमीडिएटली जलन होती है आपको तीखा खाने से आपको परेशानी होती है वोमिट आती है और आपको यदि आपके थ्रॉड के लेवल पे आपको सॉर्ट थ्रॉड लगातार बना रहता है खट्टा पानी आता रहता है और जलन आपकी नहीं कम होती है यानी जलन वर्डिंग सेंसेशन आपको होती है और कोई भी तीखा खाना या फिर कोई भी मसाले वाला खाना या कुछ भी आप चा, हरी चटनी खाएं या फिर कुश्ती खाएं खटाई खाएं उसके कारण यदि आपको अचानक एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर आपको अल्सर हो सकता है और आपके पेन का कारण अल्सरेशन हो सकता है आपके पेट में किसी तरह का कोई अल्सरेशन हो सकता है तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्सर पेन क्या है और ये पेन क्यों होता है और अल्सरेशन क्यों हो जाता है क्या किसी को अचानक अल्सर होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अल्सरेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है हमारे इंटेस्टाइन और हमारे जो मसल्स हैं वो कंटीन्यूसली हमारे इंटेस्टाइन को हमारे पेट को हमारे जीआई आई ट्रैक को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी टोटल जीआई जो ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एंटीसेप्टिक और एक सूदिंग केमिकल है सूदिंग हार्मोन्स है एंजाइम है सलेवा है कंटीन्यूसली सलेवा ये पूरा प्रोटेक्शन का काम करता है यानी आपके ओरल कैप्टी से और एन एस कैप एनल कैप्टी तक कम्प्लीटली जो आपके हीलिंग uh, का काम है जो सूदिंग इफेक्ट का काम है जो रिपेयर का काम है जो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल फंक्शन है वो आपके सलेवा का है तो कंटिन्यूसली सलेवा आपके जी आई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है लेकिन ड्यू टू सम रीज़न यदि आपको सलेवा का सिक्रीशन कम हो जाए या फिर सलेवा आपका इफेक्टिव ना रहे तो फिर आपको किसी ना किसी लेवल पे जी आई हो सकता है आपको छाले हो सकते हैं आपको हल्का फुल्का जख्म हो सकता है और आपकी जो इंटेस्टाइन है वो सेंसिटिव हो सकती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कॉज है वो किसी भी इंसान का सलेवा का कम सिक्रीट होना और सलेवा के कम सिक्रीट होने के पीछे देयर आर आर एन नंबर ऑफ़ द रीज़न सबसे पहला रीज़न है एक्सेसिव स्मोकिंग तम्बाकू खाना ओरल हाइजीन का अच्छा नया रखना एक्सेसिव पेन किलर लेना यानी दर्द की दवाइयाँ जो आप रेगुलरली खाते हैं ना केवल वो आपके पेट को की मसल्स को डैमेज करती हैं अल्सरेशन करती हैं डायरिया डिसेंट्री डेवलप करती हैं बल्कि आपके जो सलेवा का सिक्रीशन है उसको भी रिड्यूस करती हैं फिर एंटीबायोटिक एंड द हारमोन्स किसी भी हारमोनल कैटेगरी की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड या पेन किलर आप लंबे समय तक ना लें और यदि आपको कोई रेगुलरली ये दवाई लेनी पड़ती है तो आप स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में उसकी एडवाइस से ही लें और लिमिटेड राइट डोज लें और मिनिमम टाइम उसको लेने की कोशिश करें बहुत सारे लोग लेफ़्ट राइट पेन किलर एंड एंटीबायोटिक लेते हैं जो कि खुद भी ले, ले लेते हैं या फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन से ले लेते हैं और एक रिसर्च के अनुसार ट्वेंटी लोग दुनिया में कोई ना कोई रेगुलर पेन किलर खाते हैं अपने लो ब्लड प्रेशर को डील करने के लिए लो मूड को डील करने के लिए या फिर कम एनर्जी उन्हें लगती है या स्टिफनेस होती है और कुछ समय के बाद देखा जाता है कि उस पेन किलर की उनको आदत पड़ गई होती है और उसके साथ वो मूव करते रहते हैं इक्वली पेन किलर में भी सडेशन होता है आ, दर्द की दवाइयाँ भी नशा करती हैं कुछ मेडिसन है जो नशा करती हैं आपको बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं आपके बॉडी का इन्फ्लामेशन कम कर देती हैं ब्लड का जो फ्लो है उसको थोड़ा बढ़ा देती है और तो आपको अच्छी फीलिंग आती है लेकिन ये फीलिंग बहुत टेम्परेरी होती है इसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं तो इस तरह की कोई भी दवाई आप ना लें अल्सरेशन के पीछे सबसे बड़ा कॉज आपकी गलत मेडिकेशन है सेल्फ मेडिकेशन है गलत दवाइयों का चुनाव है आप पेन किलर या एंटीबायोटिक खाते हैं या स्टीरॉइड खाते हैं तो उसकी राइट डोज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस उसके साथ प्रोबायोटिक या एंटासिड का होना जरूरी है यदि आपको कोई एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है कुछ समय के लिए या फिर पेन किलर तो आप अच्छी मात्रा में दही खाएं अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स फाइबर्स लें प्लस अच्छी मात्रा में पानी पिएँ और मेक श्योर करें कि कभी भी एंटीबायोटिक स्टीरोइड एंड द पेन किलर बगर प्रोबायोटिक या एंटासिड के ना लें उसके साथ आप एक प्रोबायोटिक या एंटासिड जरूर लें लाइक ए बिजी लैग इन देंटाप्राजोल दे और रेबीप्राजोल जो भी आप लें जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बट कभी भी पेन किलर और द एंटीबायोटिक डोंट टेक विदाउट टे सपोर्ट ऑफ द प्री प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स जो आपके इंटेस्टाइन को सेफ रखेंगे बचाएंगे और परफोरेशन नहीं होने देंगे एसिड से आपके जो पेट को जो नुकसान होता है जिससे कि अल्सरेशन होता है जिससे कि आपको छाले बन जाते हैं वो नहीं होंगे अब बात है कि यदि आपको ये अल्सरेशन है तो इसका मैनेजमेंट क्या है हर तीन घंटे पे हल्का खाना खाएं, सॉफ्ट डाइट लें जिसमें कि आपके फाइबर हो, दही हो हनी हो और आपका कोकोनट वाटर हो और आपके जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो हों एंड हर तीन घंटे पे खाएँ खाने को मेक श्योर sure करें कि अच्छे से चबा के खाएँ अच्छे प्रोबायोटिक का लगातार यूज़ प्लस आपको कुछ मेडिसिन भी लेने पड़ेंगे एंटासिड लें एक कैप्सूल सुबह खाली पेट, लाइक पेंडी पें पेंटोसिड डी या फिर कोई और भी ब्रांड हो सकता है प्लस उसके साथ सुक्राफिल टेन एम एल लिक्विड थ्री टाइम्स डे लें प्लस मेक श्योर करें कि आप जितनी सब्जियां खाएंगे जितना हरा साग खाएंगे एप्पल खाएंगे सेब खाएंगे, जितना चौका डाइट लेंगे और खाने को यदि स्मॉल मील में आप लेंगे सॉफ्ट डाइट लेंगे तो तीन महीने के ट्रीटमेंट में आपका अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ही आपके अल्सर को ट्रीट करने की एबिलिटी है आपका सलेवा ही आपके अल्सर को ट्रीट कर सकता है और कम्प्लीटली ट्रीट कर सकता है बस आपको वो फैक्टर्स वो रीज़न वो जो कारण हैं उनको कंट्रोल करना है उसको अवॉइड करना है और आपको ये सारे पॉजिटिव जो चीज़ें हैं इनको प्रैक्टिस करना है थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योर सेल्फ